अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है। और आज आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस का रिव्यू लेकर आया हूँ और इस डिवाइस का नाम है एरीज। ठीक है, बड़ी खूबसूरत सी डिवाइस है और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ तो मैंने कहा सोचा कि आप लोगों के सामने करूँ। तो बेसिकली मेरे पास कुछ डिवाइसेस और भी आनी थी। प्रिसम की डिवाइस ऑलरेडी मैं आप लोगों को रिव्यू दे चुका हूँ और अब मैं आपको दे रहा हूँ एरीज। ठीक है, और इस डिवाइस का रिव्यू देंगे आपको और इसके साथ हमने कुछ चीज़ें और भी मंगवाई हुई हैं जी। तो ओपन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। यार सबसे पहले आप लोग ना जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मुझे ना लाइक्स वगैरह की तो इतनी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि मैं कहता हूँ कि यार मेरी चीज़ पब्लिश हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, वीडियो बना रहा होता हूँ और ऑफिस से निकल के आता हूँ, तो कम अज़ कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। मुझे लाइक्स की नीड नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे लाइक की नीड है, लाइक नहीं चाहिए, रिव्यूज़ तो चाहिए कम अज़ कम। बताओ तो सही कि यार हाँ आप लोग देख रहे हो, और ताकि देख। अच्छा खैर छोड़ें, सबसे पहले मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ कि ये डिवाइस निकली है। ठीक है, डिवाइस देख सकते हैं, ये इसका पॉड आ गया। पॉड के अंदर इसकी रिफिलिंग भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें देखें एक रबड़ लगा होता है। ठीक है, ये रबड़ की सील है। ये जो चौड़ी वाली साइड है, ये चौड़ी वाली साइड को ऊपर करते हैं और फिल करते हैं ऐसे, ये देखिए। नज़र आया, ऐसे बंद करते हैं। तो मैं आपको इसको फिल करके इसका स्मोक रिव्यू देता हूँ। इससे पहले हम जानते हैं कि इसके बॉक्स में और क्या निकलता है। इसके बॉक्स में एक ये टैंक निकलता है, सादा टैंक, जैसे ये पॉड होता है और इसी को हम वेप में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके टैंक के इसके अंदर एक ये निकलता है, इसकी एक छोटी जो हमारे पास ये डिवाइस होती है ना प्रिसम वाली, इसकी जो कॉइल लगी हुई है सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, बेसिकली यही कॉइल इसके अंदर लगाकर इसको एज अ पॉड भी यूज़ करते हैं। पॉड और वेप का फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉड और वेप में दो किस्म के फ़र्क होते हैं। एक तो ये होता है वेप को आप जितना मर्जी खींच लें, जितना आपके अंदर सांस है, आपके लंग्स हैं, आप उसको देर तक स्मोक कर सकते हो और एक हैवी क्लाउडी स्मोक बना सकते हो। जबकि पॉड में ऐसा नहीं होता, पॉड में हम ऑलमोस्ट 5 सेकंड के लिए हम उसको खींचते हैं और फिर इनहेल करते हैं या थ्रो करते हैं स्मोक को। ये होता है पॉड और वेप का फ़र्क। और दूसरा, पॉड के अंदर जो होता है उसकी कॉइल थोड़ी सी छोटी होती है, उसका टैंक छोटा होता है, जिससे उसकी जो लिक्विड कंजप्शन होती है, लिक्विड जो हम इसमें डालते हैं उसकी कंजप्शन होती है, वो कम लेता है। ये मेजर फ़र्क होता है वेप के अंदर, क्योंकि हम खींचते ज़्यादा हैं वो उतना लिक्विड कंज्यूम करता है। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि इसके अंदर से बॉक्स के अंदर एक ये निकलता है, इसका अपना जो इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ आता है एक चीज़, एक बॉक्स में से ये निकलता है। इसके साथ चाहें तो आप प्रिसम की डिवाइस की वो ले सकते हैं, इसका पॉड, ठीक है, वो अलग से लेना पड़ता है डब्बे के अंदर। इसके बाद इसकी डेटा केबल निकलती है, 3 चीज़ें। चौथा, इसके अंदर इसका मैनुअल कार्ड निकलता है, दैट्स ये इसकी टोटल पैकिंग होती है। तो अब हम इसका स्मोक रिव्यू लेते हैं और देन मैं अगेन आता हूँ, मैं डिवाइस को 5 मिनट के लिए चार्ज करता हूँ, देन वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, तो गाइस इसके ऊपर ये बटन लगा होता है, आप इसको देखें, इसको 5 टाइम प्रेस जब करते हैं ऐसे, ये देखिए ब्लिंक करके ये ऑफ हो गया, ये देख सकते हैं इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। 5 टाइम इसको अगेन ब्लिंक करते हैं हम ऑन करने के लिए, ये ऑन हो गया। अब आप इसको बाकायदा तौर पे इनहेल कर सकते हैं और इसको स्मोक रिव्यू भी आपको देता हूँ मैं। बहुत प्यारा स्मोक है यार, ज़बरदस्त। और मैं आप लोगों को ख़ुद प्रेफर करूँगा कि पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये डिवाइस बहुत लाइट वेट है और मेटल के अंदर है, कलर इसके बहुत अच्छे आए हैं, बट ये कलर इज़ माय फेवरेट, लाजमी हाईली रेकमेंड करता हूँ, तो एक दफ़ा ट्रायल लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने यार लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ,
तो काइंडली मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का साथ चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।